गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब कोई? आई होप सब एकदम मस्त होंगे ना। तो अपने जो बहुत दिनों बाद पढ़ाई स्टार्ट की है तो अपने फल पढ़ाई की तरफ चलते हैं। सो वेलकम टू द एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। तो अपने क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स यहाँ से पढ़ेंगे। पहले अपने जितने भी बेसिक्स है वो सब क्लियर कर लेंगे। और एक और चीज मैं क्या करूँगी, जितने भी क्वेश्चन है सबके चार चार या पाँच पाँच दे देते हैं, मैं उनके दो या तीन करवा दूंगी। उसके बाद आगे वाले आप लोग ट्राई करना, नहीं होता है तो अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में अपने उससे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 तो आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें आपको क्या करोगे, आपको क्या बोला है कि जैसे आपको बोला है कि 1 लाख में कितने 10,000 होता है, 1 लाख में कितने वो आपको पूछ है। तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे 1 लाख। सबको पता है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो आपको क्या पूछा है, 1 लाख में कितने 10,000 है। तो आप काउंट करो, ये तो सबको आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। 10,000 कहाँ पे आया, यहाँ पे। जहाँ पे आता है वहीं से आप क्या करोगे, एक सर्कल या बॉक्स बना लो और वही आपको वहां लिखना है इस ब्लैंक्स में। तो कोई दिक्कत किसी को, आपको क्या बोला है, आपको क्या पूछा क्वेश्चन में कि 1 लाख में कितने 10,000 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले काउंट करना शुरू करोगे, उसके बाद जहां पे भी उत्तर है जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000 यहाँ पे रुके, यहीं से मैंने एक सर्कल बना लिया, यही आप कहाँ आएगा इस ब्लैंक्स में आएगा। तो कोई दिक्कत, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आपको क्या पूछा है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे, 6। 1 मिलियन या 10 लाख एक ही बात है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, 1 मिलियन में कितने 100,000 है, 1 मिलियन में कितने 100,000 है। तो आप कैसे काउंट करोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 यहाँ पे आया। तो मैं यहीं से क्या करूंगी, ये सर्कल बना लूंगी। कैसे काउंट किए, एक बार वापस करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 100,000। तो कहाँ पे आया आपके, 10 पे। तो इधर भी ब्लैंक्स कितना आएगा, 10। जो एक्स्ट्रा उसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसके एक दो एग्जांपल और लेके चलते, थोड़ा सा इजी चलते हैं। जैसे आपको क्या पूछा है, 100 में कितने टेंस है, 100 में कितने टेंस है, आप काउंट करना शुरू करो, वंस, टेंस। तो इधर आके रुको, जो आपको कितने टेंस है 100 में, 10 टेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होंगे, 5। और उसमें आपको कितना पूछा है कि 100 कितने हैं, तो आप वापस कहां से काउंट करोगे, वंस, टेंस, 100। यहां पे आके यहीं से क्या करोगे, सर्कल बना लो। ये सब काम रफली करना आपको, ठीक है। तो कितने 100 है इसमें, 1000। अगला एग्जांपल देखिए कि आपको क्या पूछा है कि 1000 में कितने टेंस है, 1000। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 1000 बना लो, वापस काउंट करना शुरू करते हैं, वंस, टेंस, यहीं पे रुकिए। तो यहीं से आप क्या करोगे, सर्कल बना के यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 टेंस। तो आपको समझ आया। अब आपकी एक बार एग्जाम्पल है लास्ट वन, उसके बाद जो भी बुक में दे रखे हैं आप लोग सेल्फ करोगे, कोई भी दिक्कत आएगी तो अपने नेक्स्ट वीडियो में उस पर सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब आपको क्या पूछा है, 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने 10 लाख है। तो आपको पता है कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में, 7। अब आप काउंट करना शुरू करो, कितना कहाँ पे कितना 10 लाख पे। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख पे रुकना है। तो 10 लाख कितने आएगा, 10। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको क्या पूछा था कि जैसे 100 में कितने टेंस है, 1000 में कितने 100 है। तो आपको बस A 73
लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसके बी पार्ट में। बी क्या बोल रहा है, 9,05,41। अगर आप इसको बिना देखे वैसे करोगे तो एकदम गलती होगी होगी। तो फिर क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला पहले आप लिख लो रखें। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लास्ट करोड़ तक है, लैक टेन लैक और करोड़, यहाँ तक लिख लिया। अब जो वैल्यू दे रखी है वैसे उतारते जाओ, 9 करोड़, तो 9 किसके नीचे आएगा, करोड़ के नीचे, तो वो अगर करोड़ यहाँ पर क्या लिख दिया, 9। उसके बाद क्या बोला है, 5 लैक, लैक ये ना यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद 41, 41 मीन्स लास्ट वाला। तो बीच वाला जितना भी प्लेस खाली है वहाँ पर आपका क्या इनपुट कर दोगे, 0 0 0 0 एंड अगेन 0। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ, 9 0 5 000 एंड देन 41। और फिर अपने को कॉमा में बोला है इस क्वेश्चन में, तो 1,10,000, 10,000, 10,000 और करोड़। अब आप वापस प्रोनाउंस शिफ्ट करो, क्या हो इसका, 9,05,41। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे दो या तीन एग्जांपल्स और होंगे, वो आपको खुद सेल्फ ट्राई करना, इफ कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो अपने चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इसमें आपको क्या हो रहा है, इंसर्ट कॉमास सूटेबली, मतलब इसमें भी आपको क्या करना है, कॉमास पुट अप करने हैं, लेकिन इसमें आपको क्या मेंशन किया गया है कि आपको जो नंबर डे हो कैसे लिखोगे, इंडियन सिस्टम में। आपने भी जब तक अभी तक पढ़ा है फिफ्थ तक कैसे पढ़ा है, इंडियन सिस्टम की पढ़ा है। अब सिक्स में अपना लेवल आपको गया, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, इंडियन भी पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, इंडियन सिस्टम। तो सबसे पहले आपको वैल्यू भी आपको बोर्ड पर दे रखी है, एक बार चीज़ बता दी आपको पहले, इंडियन सिस्टम में क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, इंडियन सिस्टम में आप कॉमा कैसे लगाते हो, पहले तीन लाइक वंस टेंस हंड्रेड फिर कॉमा, उसके बाद दो दो के बाद कॉमास लगते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे लगेंगे, कंटिन्यू तीन दिन के बाद कॉमास लगेंगे। अपने इंटरनेशनल सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, पहले कौन सा सिस्टम पढ़ना है, इंडियन सिस्टम। तो आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं कॉमा वाले काम करती हूँ, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक एंड देन करोड़, आपको ये दे रखा है। अब इसको आपने क्या लिखेंगे, नंबर डे में लिखते हैं, इसको भी अगर आप अगर पढ़ना आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे 1,75,95,762। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो गई कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल में है, तो इसमें भी आप रफली काम कर सकते हो, कि पेंसिल उठाओ और ऊपर लिखना शुरू करो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक एंड करोड़, आपका ये हो गया। तो आप क्या लिखोगे, सीधा फट वाले 8,75,95,762। कॉमास का मतलब क्या होता है कि आप उन दो चीज को जो कॉमा के अंदर है उनको साथ में पढ़ोगे। तो अपने आप लिखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, 95,000 आगे 762 ये हो गया आपने थर्ड और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमास लगाने का काम करोगे, और इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाओगे, पहले तीन बाद में दो दो के बाद, और अपने वैसे ही लिख देंगे जैसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बड़ी में, आप रफली ऊपर पेंसिल से लिख लो, पूरा काम हो जाने के बाद आप उसको क्या कर दोगे, इरेज कर दोगे। और आप कैसे लिख करोगे, 8,75,95,000
तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसके आगे एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस भी हैं इसके, तो आप सॉल्व करना, फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपने नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया अपना कंप्लीट, ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम कंप्लीट हो गया। अब अपने क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ेंगे, जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। तो अभी अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। इसमें आपको क्या बोला है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। तो अपने ने पहले क्या पढ़ा था, इंडियन सिस्टम, और अभी अपने नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फर्क होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें क्या करना है आपको, कॉमा कैसे लेंगे, तीन दिन के बाद, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, और अगर आगे भी होता था क्या लेते हैं, हंड्रेड मिलियन, ठीक है? इसमें कैसे पढ़ेंगे अपने, एक बार वापस रिपीट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, ठीक है? अपने कॉमा लगा दी। अब अगला काम क्या है, इसको नंबर नेम में लिखना। तो कैसे लिखोगे, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं हो, आप इसको भी ऊपर लिख सकते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड और थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। मैंने बोला था अपने कॉमर्स वाली चीज क्या पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो इसको कैसे पढ़ोगे आप, 78,921,092। तो अपने लिखते हैं इसको, क्या दे रखा है आपको, 78,921,092। तो क्या अपना क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, एक बार इसी को रिपीट कर लेते हैं। इसमें इतना सही चीज है कॉमास का और रीड करने का, कैसे करोगे आप, कॉमास कैसे लगेगा अगर तीन दिन के बाद, जैसे वन, टेन, हंड्रेड, फिर कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, फिर कॉमा, मिलियन, टेन मिलियन, अगर आगे और होता तो अपने क्या करते उसको, हंड्रेड मिलियन। अब उसको कैसे लिखोगे आप, 78,921,092। तो अपना एक फर्स्ट हो गया, इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो अपने करते हैं फोर्थ का बी, अपने वापिस वही क्वेश्चन है, अपने को क्या बोला, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगाने हैं, तो कैसे लगेंगे, हर तीन के बाद कॉमास लगेंगे, और कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, फिर कॉमा, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, मतलब आपको इसमें हंड्रेड जोड़ना है, कितना सा इतने को फर्क समझना है, कॉमा लगाना है सबसे पहले हर तीन के बाद, ठीक है? अब अपने इसको कैसे रीड करोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन, तो आप क्या लिखोगे इसको, 7,000,000 52,000